गाय को माता मानने वाले लोग दूध पीने के बाद उसको आवारा छोड़ देते हैं, फिर वो माता कहाँ चली जाती है? आप कहीं टेंट हाउस में दवाएं बिक रही हैं? कहते हैं मर्दानी ताकत यानी कमजोर है इस देश का मर्द। साधु का मतलब केवल और केवल भगवा धोती पहनना या 10 रुपए का चंदन लगाना नहीं है। साधु का मतलब है कि समाज की कृतियाँ, बुराइयाँ, ये मृत्यु भोज, ये आप लालच, दहेज प्रथा, इन सब के ऊपर भी काम करें। हमारा आस पड़ोस बहुत अच्छा हो, ये नहीं कि मठ में तो देसी घी का हलवा बनता है, पड़ोस में कोई भूखा सो रहा है, तो कहाँ का साधु होगा। क्या साध्वी देवा ठाकुर फिर आने वाले समय में चुनाव लड़ेंगी? क्योंकि योगी जी भी थे पहले, एक मंदिर के मठाचार्य थे, पीठाधीश्वर कह सकते हैं, उसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ा, मुख्यमंत्री बने। क्या साध्वी देवा ठाकुर भी यही काम करने वाली हैं? धर्म की बात करना, सनातन की बात करना, युवाओं की बात करना, रोजगार की बात करना, मठ मंदिरों की बात करना, सच को सच कहना, अगर आपको राजनीति लगती है तो आप लोग भी प्रयास करिए, मैं आपको सबको निमंत्रण देती हूँ। और अगर धर्म की बात करना और पाखंड के विरुद्ध बोलना ही राजनीति का रूप है, तो फिर कांग्रेस ही या अदर पार्टी के लोगों को भी कर लेना चाहिए, उनको भी भगवाधारी हो जाना चाहिए। आप भगवे की बात करती हैं और भगवा तो बीजेपी का प्रचार करता है, तो क्या माना जाए कि आप बीजेपी की समर्थक है? यस, वाई नॉट, 100% बिल्कुल शुद्ध प्योर मैं बीजेपी की समर्थक हूँ। धारा 370 की बात हो, राम मंदिर की बात हो, गाय माता की बात हो, कहीं की भी बात हो, हमने आवाज उठाई, हम लड़े और आज भी लड़ते हैं धर्म के लिए। लेकिन कांग्रेस के लोग कहते हैं ये तो सरकार, ये जो बीजेपी सरकार है, गरीबों को लूटने वाली सरकार है, गरीबों को शोषण करने वाली सरकार। जब राम मंदिर की बात आई तो हजारों लोगों की वहां पे किस तरह से मृत्यु हुई, गाय की बात हुई तो गोपाष्टमी को इतनी गाय और गाय भक्त मरे, तब कांग्रेस कहाँ चली गई थी? जब राम मंदिर की बात करते थे तो राजनीति कहते थे, वो कपाट क्यों नहीं खुलवा दिए थे आप लोगों ने? अब फिर मैं कहना चाहती हूँ, एक काम करिए, राष्ट्रपिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का विषय मैंने पिछले एक महीने से उठाया, अगर कांग्रेस में दम है तो वो पंजाब में और पूरे देश में ये विषय उठाएं कि गांधी नहीं, राष्ट्रपिता गुरु गोविंद सिंह होने चाहिए, दम है तो कहिए ना आप। साध्वी देवा ठाकुर जी क्या भविष्य में चुनाव लड़ेंगी? आवश्यकता आविष्कार की जननी है, फिलहाल इस तरह का कोई मजबूत इरादा नहीं है। साध्वी देवा ठाकुर जी के ड्रीम क्या है, क्या सपने हैं, क्या आने वाले समय में वो करना चाहती हैं समाज के लिए? समाज अपने अकॉर्डिंग चलता है और उसका आविष्कार करता है। आज मैं कर्म करूंगी, कल उसका फल अवश्य मिलेगा, ठीक हो या गलत हो। दूसरी बात मैं कहती हूँ, शहीदों को शहीदों का दर्जा दीजिए, जो महापुरुष हैं उनको महापुरुष रहने दीजिए, ये दूषित मत करिए इतिहास को। आप कहते हैं कि जितने भी हमारे गुरु हुए हैं वो सिखों के गुरु हैं, नहीं, गुरुओं ने कुर्बानी दी है पूरे राष्ट्र के लिए, पूरी दुनिया के लिए, पूरे विश्व के लिए, और आपने गुरुओं को जातियों में बांट दिया। कभी आपने सुना कि भगत सिंह केवल सिखों के थे? नहीं, वो सबके थे, पूरे देश के थे, आज़ाद किन के थे, पूरे देश के थे। तो इसी तरह मैं चाहती हूँ राष्ट्रभक्तों को, योद्धाओं को, जोधों को आप जातियों में नहीं बांटें। साधु संत महात्मा हैं, अध्यात्म और भगवान की उपासना की बात करते हैं, लेकिन आपका जब मूड बनता है तो आप किसी भी विषय को लेकर बोलना शुरू हो जाती हैं, ऐसा क्यों? साधु का मतलब केवल और केवल भगवा धोती पहनना या 10 रुपए का चंदन लगाना नहीं है। साधु का मतलब है कि समाज की कृतियाँ, बुराइयाँ, ये मृत्यु भोज, ये आप लालच, दहेज प्रथा, इन सब के ऊपर भी काम करें। हमारा आस पड़ोस बहुत अच्छा हो, ये नहीं कि मठ में तो देसी घी का हलवा बनता है, पड़ोस में कोई भूखा सो रहा है, तो कहाँ का साधु हुआ। मान्यता ये भी है आपके धाम की कि यहाँ पर कोई भी मनोकामना लेकर आते हैं मनोकामना पूरी हो जाती है, ईश्वर का चमत्कार कहें, आपका आशीर्वाद कहें, क्या कहें? देखिए, मैं वैसे तो पाखंडवाद में ज़्यादा विश्वास नहीं करती, लेकिन श्रद्धा में पूर्ण विश्वास करती हूँ। अगर आपकी वाइब्रेशन हमारे साथ मिलती है और पॉजिटिव वेव हमारी जाती है आपको, तो अवश्य आपकी कामना पूरी होती है। आप पूरा पानीपत हरियाणा भी आपको देख रहा है, उनको क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हर दिन हजारों की संख्या में लोग आपके साथ जुड़ते जा रहे हैं? मैं विशेष निवेदन तो आज की डेट में ये करूँगी कि जातिवाद से, क्षेत्रवाद से, गोत्रवाद से बचिए, समाज में इंसानियत पैदा करिए, रियल आप युवाओं को क्या करने की आवश्यकता है वो करिए, थोड़ा सा इस पाखंड से ऊपर उठकर रियल आप आध्यात्मिक अंदर से कितने हैं वो करिए, बाहर से दिखावे के लिए ना आप मोली बांधिए ना तिलक लगाइए इस तरह। फिलहाल आपने देखा एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ थी जिनके दर्शन करने के लिए, जिनसे मिलने के लिए लोग, हजारों लोग इनके मंदिर के बाहर लगे रहते हैं, आए रहते हैं या आते रहते हैं। मेरी अपील रहेगी कि इस इंटरव्यू को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। वीडियो देख रहे हैं मेरे सहयोगी गुलशन ओझा के साथ में पवन शुक्ला,
हरियाणा रिपब्लिक।